फर्स्ट वीडियो देखा होगा, रिलेशन के मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको रिलेशन के पूरे बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर किए। आज मैं उसके एक्सरसाइज करा रहा हूं, और इससे पहले कि एक्सरसाइज कराऊं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली बात ये कि कभी भी आप मैथमेटिक्स के मेरे जितने भी वीडियो देखो, तो फर्स्ट वीडियो जो होगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का किसी भी टॉपिक पर हो, वो कंप्लीट बेसिक कांसेप्ट और फार्मूला पर बेस्ड हो। इसलिए आपका बेस है, आप उसके हिसाब से पहले प्रिपेयर कीजिए। आज भी आप में से जितने लोग मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप इस एक्सरसाइज का वीडियो को इमीडिएट क्लोज करिए और आप उसके फर्स्ट वीडियो पर जाइए, और बेसिक कांसेप्ट क्लियर करने के बाद जब आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपसे बहुत इजी वे में बनेगा, क्लियर। दूसरी बात ये कि मैं अपने एक्सरसाइज को कंप्लीटली एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड करता हूं। उसका रीजन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिमिटेड है पर क्रीम कलेक्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन कवर होते हैं, और बेसिक कांसेप्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है, मैंने आपको, आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे होंगे, तो मैंने आपको दो बातें की थी। पहली बात ये कि मेरा पहला जो वीडियो आप देखेंगे वो फाउंडेशन कोर्स पर हो, दैट मींस मैं उस क्लास के बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करूंगा, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, क्योंकि वास्तव में तरीका यही है। फिर सेकंड वीडियो जो आप देखेंगे वो कॉम्पिटिटिव पर बेस्ड होगा, जहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और शॉर्टकट मेथड से ट्रिक्स बेस्ड पर उसको पढ़ाऊंगा। तब ध्यान रखेंगे प्रिपरेशन का बेसिक तरीका यही है, फर्स्ट पार्ट में आप उसके फंडामेंटल क्लियर कीजिए और सेकंड पार्ट में आप उसके आईआईटी नीट के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आज मैं आपको करा रहा हूं रिलेशन चैप्टर का एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन है और आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको टच करूंगा जिनको कराने के बाद मुझे उम्मीद है कि रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, बचे हुए जो क्वेश्चन है, उसको आप अपने से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप जो क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको मेरे बोर्ड पर डिस्प्ले होगा, और आप वहां से रीडिंग करके क्वेश्चन को समझ सकते। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का मैं पहले आपको बताऊं कि रिलेशन के जो पूरे क्वेश्चन है वो इसके सिर्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी नेचर को चेक कर रहे हैं, और आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आप जब तीनों रिलेशन हो तो उस रिलेशन को आप क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज वी हैव ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 14, सपोज 1 से लेकर 14 तक एक सेट अपने पास है, और इसमें एक रिलेशन ऐसा है r इक्वल टू ए बी आर एक्स वाई, अपने टेबल को ले सकते हो एक्स वाई such that 3x minus 5 equal to 0, यह है रिलेशन। और इस रिलेशन में हमको चेक करना है कि ये जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। मैं दो पार्ट में एक्सरसाइज को कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसके रिफ्लेक्सिव नेचर, सिमेट्रिक नेचर और ट्रांजिटिव नेचर को चेक करने का, और कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट रिलेशन के। तो यहाँ हमको चेक करना है ये जो रिलेशन है ये क्या, तीनों रिलेशन में से क्या है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो फर्स्ट हम इसका नेचर चेक करते हैं, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, अपने को पता है सी एक्स वाई, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू वाई, दैट मींस इफ एक्स इक्वल टू वाई,
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे फर्स्ट वीडियो में आपने ओनली बेसिक फंडामेंटल देखा था, यहाँ पर सब क्वेश्चन से आपको क्लियर मिलेगा। तो फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव का हमने क्या बता दिया कि नॉन रिफ्लेक्सिव, क्लियर। नाउ सेकंड इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन आप चेंज करें, चेक करें। तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपको पता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहां पर देखिए रिलेशन कैसा है, इसमें 3x माइनस y, दैट इंप्लाइज 3x माइनस y इक्वल टू 0, बट फॉर y x बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज अब 3y माइनस x हो जाएगा। और जब 3x माइनस y इक्वल टू 0 है, 3y माइनस x 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट इज हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि y x नॉट बिलोंग्स टू r, y x क्या होगा रिलेशन को बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया नॉट सिमेट्रिक। यहां पर क्या इसको शो कर दिए कि रिलेशन क्या है सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिलेशन इज ट्रांसिटिव, यदि इसे ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है देखें, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज 3x माइनस y इक्वल टू 0, एंड y z बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज 3y माइनस z इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि अब यहां पर x की जगह y पुट कर देंगे, y की जगह z पुट कर देंगे। बट यहां पर आप देखो, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये रिलेशन है तो एक्स जेड, एक्स जेड बिलोंग्स टू यदि आर हो तो क्या रिलेशन जाएगा 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो नेचुरली आप यहां पर देख रहे हैं कि यदि 3x माइनस y इक्वल टू 0 हो और 3y माइनस z इक्वल टू 0 हो तो 3x माइनस z कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये पूरे आपको एग्जांपल में 1 से लेके 14 तक के नंबर पे आप इमेज करा के देखेंगे ये रिलेशन क्या होगा प्रॉपर सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं देयर बट फॉर देयर फॉर एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड की आपको बिलोंग्स नहीं करता, तो ये भी क्या होएगा नॉट ट्रांजिटिव है, यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस तरह से यहां पर हमने क्या देखा आपको चेक करना था कि ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में किस किस तरह का नेचर होता है। हमने क्या यहां पर शो किया कि द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या है तीनों नेचर को, बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिविटी और ट्रांजिटिविटी का आपको प्रॉपर नेचर पता होना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का, बस इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन मैं एक और आपको बता दूं कि जहां पर हमको प्रूफ ही करना है कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, जैसा भी हमने किया। Suppose we have a set, अपन देखते हैं question number 2, question number 2, suppose we have a set of all real number, आप question में देख पा रहे हैं कि एक set में जो all real number है और यहाँ पर जो relation है वो किस तरह से है, a, b such that a is less than or equal to b square, और इस
हम इसको चेक करा के देंगे। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम इसके लिए एग्जांपल ले लिए 1/2 सिंस 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। आप यहां पर देखिए कि 1/2 दैट इज a का वैल्यू, यहां पर 1/2 दोनों को बिलोंग्स कर देते हैं, 1/2 बिलोंग्स टू r। सपोज 1/2 नंबर है और दोनों क्या इस रियल नंबर को, इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो यहां पर अपन वैल्यू सेट अप करें 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, क्योंकि 1/2 में है 1/4 है, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं। क्लियर? नाउ चेक नेक्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन अपन चेक करें, तो यहां पर हम ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि सिंस फॉर सिमेट्रिक रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये सिमेट्रिक रिलेशन का क्या है? कंडीशन। क्लियर? यहां पर हम कुछ एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमने लिया -1 इज लेस देन आर इक्वल टू, सपोज एक नंबर ले लिया 3। ये सही है, ये रिलेशन सही है कि -1 जो होता है वह 3 के स्क्वायर से लेस देन होता है। बट यहां पर देखिए 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -1 स्क्वायर, ये नहीं होता। 3 का वैल्यू इससे लेस देन आर इक्वल टू नहीं हो सकता, ये यदि हो लेकिन ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब a b बिलोंग्स टू r हो तो b a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन यहां पर इस रिलेशन में ये पॉसिबल नहीं है, तो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या है कि कांसेप्ट क्लियर नहीं होने का एक छोटे-छोटे रिलेशन नहीं समझ पाते, बाकी एक्सरसाइज बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट रिलेशन अपन चेक करते हैं क्या, कॉजेटिव। थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन भी हम चेक करें, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का आपको रिलेशन पता है। देखिए रिलेशन में पहले बता दूं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये इसमें कंडीशन है। क्लियर? यदि ए बी आर को बिलोंग करे रिलेशन को और बी सी करे, तो ए और सी, ये ए और सी में भी इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। बट इन दिस केस यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, तो सपोज हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया 2 इज लेस देन आर इक्वल टू -3 स्क्वायर, सही है? क्लियर? -3 के स्क्वायर की तो है नहीं, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू तो हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू तो पॉसिबल नहीं है। एंड और यहां पर हम ले लें -3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये हमने ले लिया। यहां पर आप देखिए ये a है, ये b है, ये c है। यहां पर आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये 2 को हमने ले लिया a के फॉर्म में और इसको ले लिया b के फॉर्म में। अब b यहां पर अगेन रिपीट होना चाहिए, तो ये हमने ले लिया b और 1 को ले लिया सपोज हमने c। तो आगे आप देखिए इस रिलेशन अब हम बनाते हैं, बताते हैं, तो बट a c बिलोंग्स टू r, a का वैल्यू क्या आपके पास 2 इज लेस देन आर इक्वल टू c क्या है 1 का स्क्वायर, इट इज नॉट पॉसिबल, 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, a भी बिलोंग टू r करता है, b भी बिलोंग टू r करता है, लेकिन a c यहां पर नॉट बिलोंग टू r, मतलब देयर पर हम एक क्या कर सकते हैं, a c नॉट बिलोंग टू r, देन द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पर क्वेश्चन में हम लोग प्रूव करने के लिए बोला, देखिए आपको क्वेश्चन प्रूव करने बोला है कि सो दैट the given relation is not reflexive, not symmetric, not causative। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आपको पहले से ही पता होता है कि मेरे को क्या रिलेशन पता है, बस आपको लिखना आना चाहिए, आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और सिमेट्रिक में कॉजेटिव में क्या क्या नेचर है। मतलब यदि आपको मेरा पिछला वीडियो का कांसेप्ट यदि अच्छे से क्लियर है, तो आपको एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक्सरसाइज आपको कराया, करा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम क्या करें?
इंपॉर्टेंट है, जनरली आते हैं क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको एक सेट दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। सपोज यहां तक आपके पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 8, और यहां पर एक रिलेशन है r इक्वल टू a b such that mod of a minus b is even। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में बताया गया है इसको हम क्या कहते हैं, a है even, इस तरह का रिलेशन है कि a minus b is a even number, clear। एंड यहां पर एक बात और प्रूव करना है कि ये 1 2 3 सेल्फ रिलेटेड है, 1 2 3 और क्या है 1 3 5 सॉरी। यहां पर एक क्वेश्चन में एक और पार्ट में आप देख रहे हो, क्वेश्चन आप रीड करिए कि 1 3 5 और 2 4 ये सेल्फ रिलेटेड है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, इस बात को भी हमको शो करना है। अब इसको हमको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको प्रूव करना है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन हमको प्रूव करना है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पाया जाता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का होता है कोई रिलेशन, किसी भी रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो यहां पर हम वन बाय वन जैसे अभी चेक कर रहे थे, इस रिलेशन को चेक करते जाते हैं फॉर दिस नंबर, क्लियर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल आपका लिखने का तरीका ऐसे ही होगा जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पर लिख देंगे सिंस फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। देन इन दिस केस सिंस ए माइनस ए मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0 व्हिच इज इवन, 0 क्या मानते हैं अपन, इवन नंबर मानते हैं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा a माइनस a इक्वल टू 0 व्हिच इज इवन नंबर। तो यहां से क्या प्रूव हो जाता है कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेशन क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि ये इसको मैच करता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिलेशन इज 1 बाय 1 एक रिलेशन अपन प्रूव करते जाते हैं। तो सेकंड रिलेशन यहां से प्रूव करते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन में अभी मैं आपको बताया जस्ट कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर देखिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, देयरफॉर बी माइनस ए इज आल्सो इवन। आपको मालूम है कि मॉड में a माइनस b का वैल्यू यदि इवन हो a माइनस b का, तो b माइनस a का वैल्यू भी क्या होगा इवन होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने क्या किया 4 में 2 को माइनस किया तो कितना आया 2, लेकिन 2 में 4 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा माइनस 2 आएगा, लेकिन मॉड में है तो पॉजिटिव नंबर में आएगा, इज आल्सो इवन। मतलब ऑब्वियसली a माइनस b इज इवन, देन b माइनस a इज आल्सो इवन, देयरफॉर b a also belongs to R, then the relation is symmetric also। relation क्या हो गया symmetric हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर देखिए हम थर्ड relation को चेक करते हैं क्या transitive, transitive relation हम प्रूव करते हैं। तो transitive relation में आपको पता है क्या, if a b belongs to R, then हमको क्वेश्चन में दिया है कि a minus b is even number, then a minus b is also even, मार्ट हट जाएगा भी even होगा, and b c belongs to R, suppose हमने b c belongs to R किया, तो ये b minus c is also even, that means b minus c, that means b minus c is इवन नंबर। अब यहां पर आप देखिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर होता है तो ए माइनस बी इवन है, और बी सी बिलोंग्स टू आर बी माइनस सी इवन है। अब हमको ये दिखाना है कि ए माइनस सी
इवन है। तो हम इसके लिए क्या सॉल्व करते हैं, देखो, बट वी नो दैट ए माइनस सी इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। अब ये कॉन्सेप्ट हमको पता है कि ये यदि इवन नंबर हो और ए भी यदि इवन नंबर हो, दोनों नंबर यदि इवन नंबर हो, सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर, दैट मींस द सम इज आल्सो इवन नंबर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए भी बिलोंग्स टू आर हो और बी भी बिलोंग्स टू आर हो तो ए माइनस सी भी क्या होता है, इवन, देयरफॉर ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट मींस ए माइनस सी भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहां पर हमने इसको प्रूव कर दिया कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, फिर हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब हमने तीनों रिलेशन प्रूव कर दिया तो क्या लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, दस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है रिलेशन के, इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है किसी भी रिलेशन को, तो आप सिर्फ क्या करोगे, उसके तीनों नेचर को शो करके दिखाना है, और तीनों नेचर आपको पहले से पता रहेगा कि हमको रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूफ करना है, हमको सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करना है, हमको ट्रांजिटिव में क्या प्रूफ करना है, तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए मैं चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, उससे आपको तैयार भी हो जाएगा और आंसर भी क्लियर रहेगा। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसी क्वेश्चन से लगभग रिलेटेड है, लेकिन यहां पर हमको थोड़ा सा चेंज करके दिखाना है। लेकिन देखिए इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके सेम टू सेम, ठीक है। तो सपोज यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सपोज किया कि ए एक सेट है, क्वेश्चन क्या है, हम पर देख रहे हैं डिस्प्ले में कि ए क्या है, एक कोई भी सेट है, वो किस तरह से है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड है, सपोज ये इंटीजर है, क्लियर, एक इंटीजर वैल्यू है, सच दैट वो किस प्रकार से है कि उसका जो डिवीजन 4 का मल्टीपल है, क्लियर। आप क्वेश्चन में देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन में कि 0 से 12 के बीच में 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12, कहने का मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू इसके बिटवीन है, और रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है x y such that mod of x minus y is multiple of 4। एक क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, मैं सारांश करके लिख दिया उसको कि ठीक है, आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये एक इंटीजर है और 0 से 12 के बीच में है और mod of x minus y is मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पर देखिए फर्स्ट रिलेशन अपन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये अपन चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, x x बिलोंग्स टू r, कंडीशन आपको पता है। तो यहां पर हम यदि इसको पुट अप कर दें तो x minus x mod equal to 0 भी चीज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, 0 सभी का मल्टीपल होता है, क्लियर। तो यहां से प्रूफ हो गया क्या कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं, आपको दिखाना बस है। नाउ नेक्स्ट इज, सपोज हम सेकंड रिलेशन यहां से प्रूफ करते हैं, सेकंड इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हम सो करेंगे वाई इज बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर वाई माइनस एक्स इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, क्यों होगा,
के अंदर वैल्यूज केवल चेंज होने से उसके साइन में चेंज होते हैं, तो वैल्यू तो सेम टू आएगा। सपोज ये माइनस फोर आया, ये प्लस फोर आया, ये माइनस फोर आया, तो फिर प्लस हो जाएगा, मार्क्स निकलेगा, व्हिच इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, तो ऑब्वियसली प्रूफ है देयरफॉर yx बिलोंग्स टू r। क्लियर? ये हो जाएगा देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूफ करना। अब देखते हैं यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूफ करते हैं इसका। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए कि हमने कंसीडर किया कि सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज रिगार्डिंग टू रिलेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। इसको मैंने सपोज कर लिया, सपोज 4 म्यू, ये सपोज कर लिया, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब इसको मैंने 4 सपोज लैम्डा सपोज कर लिया। क्लियर? या प्लस माइनस भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि मार्ट का वैल्यू है तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमको ये दिखाना है कि x z आल्सो बिलोंग्स टू r, बट यहां पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, देखिए, बट x माइनस z इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस z इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस y प्लस y माइनस z, ऐसा लिख सकते हैं जैसा भी लिखा था। यहां पर y y कैंसिल आउट होगा, x माइनस z हो जाएगा, और दैट इक्वल हमने इसके इक्वल क्या सपोज किया है, प्लस माइनस 4 μ, प्लस माइनस 4 μ, प्लस माइनस 4 लैम्डा, दैट इक्वल प्लस माइनस 4 को हम कॉमन कर लें तो μ प्लस लैम्डा बचेगा, व्हिच इज क्या देख रहे हैं आप, व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि x माइनस z इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं, therefore x z also belongs to R, ये भी उस रिलेशन को बिलोंग करता है, then relation is transitive also, relation transitive हो गया। और जब देखो हमने इस रिलेशन को reflexive भी प्रूफ कर दिया, symmetric भी प्रूफ कर दिया, और क्या प्रूफ कर दिया, transitive प्रूफ कर दिया, तो therefore relation is equivalence। आप लास्ट में लिखेंगे the given relation is equivalent। तो मैंने दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको बताया, यहां पर आप एक बात कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको यदि सिर्फ ये पता हो कि मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं, तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, उसके बाद मैंने क्वेश्चन के एक्सरसाइज से लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन बता दिए, और इसके समझने के बाद आप एक्सरसाइज पूरा आराम से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 12, जो ज्योमेट्री के कांसेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक सेट ए, आप क्वेश्चन में डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को आप रीडिंग करिए, आप उसे रीडिंग कर सकते हैं, आप बुक देख के स्टडी करिए। ए इस तरह से है कि सपोज ये कोई ट्रायंगल है, और टी वन टी टू अपने पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन को लिख दिया, यहाँ पर आर एक रिलेशन है, टी वन एक ट्रायंगल है, टी टू दूसरा ट्रायंगल है, सच दैट किस प्रकार से है, टी वन इज सिमिलर टू टी टू, टी वन टी टू के सिमिलर है। अब इस बात को लेके हमको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। हमारा क्वेश्चन है प्रूफ दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड हियर टी वन टी टू एंड टी थ्री आर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल, वेयर टी वन एंगल एंड ट्राइंगल टी वन के एंगल क्या है, ये है सपोज 3, 4 एंड 5, ये सॉरी एंगल है इसके साइड से, एंगल है सॉरी साइड से। अब क्वेश्चन में देखिए कि T1 क्या है इसके साइड से 3, 4, 5, और T2 जो ट्राइंगल है इसके साइड से है 5, 12, 13।
13 जो कि पाइथागोरस थ्योरम को है फॉलो करेंगे देखिए 9 plus 16 25 होता है 25 plus 1 34 169 होता है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं और T3 अपने पॉजिटिव ट्रायंगल है वो है सर 6 8 और 10 इस बात को भी हमको फाइनली शो करना है कि रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसका नेचर चेक करें रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चेक करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ऑब्वियसली प्रूफ है कि सिंस ईच या एवरी एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर एट इटसेल्फ सिमिलर इटसेल्फ खुद तो खुद के सिमिलर होगा कि सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर इटसेल्फ देन वी शो दैट T1 belongs to R, their relation is reflexive. ये तो बहुत आसान है कि खुद तो खुद के every triangle is similar itself. हर triangle खुद के similar होता है. तो reflexive तो ऐसे obviously proof हो गया. Now second is symmetric. यदि हम इसे symmetric relation को देखें, तो ये भी बहुत आसान है. कैसे देखें? T1, T2 belongs to R. That means इसका मतलब क्या हुआ कि T1 similar to T2, therefore T2 similar to T1. यदि एक triangle दूसरे का similar है, तो दूसरे तो पहले का similar होगा ही. Therefore हम इसको क्या लिख सकते हैं? T1 also belongs to R. The relation is सिमेट्री बहुत ही आसान एक्सरसाइज है इसमें कुछ नहीं है मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट रिलेशन को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं उसका कारण क्या है उनको एक कांसेप्ट क्लियर नहीं होता कि कौन कौन से रिलेशन में मुझे क्या प्रूफ करना है बाकी इसमें कुछ है नहीं एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन को हम प्रूफ करें तो यहां पर देखिए एक बहुत आसान है T1 T2 दैट इंप्लाइज इसका मतलब क्या हुआ T1 सिमिलर T2 और T2 T3 इसका मतलब हुआ T2 सिमिलर T3 अब देखिए फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड पे सिमिलर है और सेकंड थर्ड पे सिमिलर है ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा फर्स्ट भी थर्ड के क्या होगा सिमिलर होगा T1 बहुत आसान क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये तीनों रिलेशन प्रूफ हो गए ये भी क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया और यदि हम इसको इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर हम शो करना चाहें तो क्या कर सकते हैं सिंस यहां पर देखिए इसके साइड्स ये हैं इसके साइड्स ये हैं तो 3/6 इक्वल 4/8 इक्वल टू 5/10 दैट इक्वल टू 1/2 और अपन जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो यहां से प्रूफ हो गया कि फर्स्ट T1 और T3 आल्सो बिलोंग्स टू R देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन यहां प्रूफ हो गया कि हमारा रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस है तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा और T1 T2 के सिमिलर है T2 T3 के सिमिलर है तो T1 T3 के भी सिमिलर होगा और इसके जो वैल्यूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग भी रिलेशन प्रूफ हो जाता है तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराया जो बहुत आसान है और बचे हुए जो क्वेश्चन है इस बेस पर आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं